हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो हमारा जो प्री का शेड्यूल है उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हम इनिशियली कवर करेंगे वो है एनवायरनमेंट। एंड एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर हम प्री में देखें, जब से फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज का प्री कॉमन हुआ है तब से प्री में क्लोज टू 18 to 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर इन्वायरमेंट से आते हैं। ठीक है, सो इन्वायरमेंट का प्री में इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम सिलेबस देखें जो यूपीएससी प्रिस्क्राइब कर रही है फॉर प्री, सो उसमें क्या है, जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, राइट। तो इसी हिसाब से हमने अपना प्लान बनाया है। अगर आप पहले देखें तो वी हैव एनवायरमेंटल इकोलॉजी, देन वी हैव बायोडाइवर्सिटी एंड देन वी हैव द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। सो अगर हम इनिशियल जो टॉपिक्स हैं उसमें साइंटिफिक टर्म्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जिससे आपको बेसिक्स क्लियर होंगे कि एनवायरनमेंट में एक्चुअली में हमने पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में बायोडाइवर्सिटी में हम इंडियन एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स में हम पढ़ेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ सेंचुरीज हैं, ठीक है, और बायो स्वेयर रिजर्व्स हैं, क्योंकि वो पूछ लेते हैं उसके बारे में। देन वी हैव रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में करंट अफेयर्स और ओजोन होल एसिडिफिकेशन, जैसे कि गाली हमने देखा है, पेरिस अग्रीमेंट देखा है, तो ये करंट अफेयर्स रिलेटेड एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम बायोडाइवर्सिटी में भी करंट अफेयर्स रिलेटेड एस्पेक्ट रहेगा ही, है ना। किसी जैसे लेट्स से कि असम में अगर फ्लड्स आ गए हैं, ठीक है, तो हमें काजीरंगा के बारे में पता होना चाहिए, सो अगेन दैट विल ऑल्सो हैव करंट अफेयर्स इन्वॉल्व, राइट। एंड देन वी हैव क्विक थिंग्स टू रिमेंबर में क्या एक्ट्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, कौन सी कंट्रीज उसकी पार्टी हैं, और जितनी भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर इंस्टेंस UNFCCC है, कयोटो प्रोटोकॉल है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में। इट इज़ अगर उसको हम सबको होलिस्टिकली कवर करेंगे, हम स्टैटिक से लेके करंट तक जाएंगे इन दिस शेड्यूल, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो 17 डेज ऑफ लेक्चर्स हैं, तो स्टैटिक पार्ट तो हम कवर करेंगे और जो जो करंट अफेयर्स एसोसिएटेड हैं उसके साथ वो भी कोशिश करेंगे कवर करने की। और एक बार प्री से पहले वी विल हैव सम lectures of current affairs of environment as well, ठीक है। so but ये 17 days में जो आपका static portion है वो definitely cover हो जाएगा। then we will have questions at the end of each lecture, और कोशिश करेंगे ये questions हैं ये previous years paper से हों, ठीक है, ताकि आपको idea हो कि आपको कितना आपने कवर किया है उस लेक्चर में और उससे क्या क्या सॉल्व कर पा रहे हो आप या क्या क्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एक कंपेंडियम बना लीजिए, एंड आफ्टर ईच लेक्चर यू शुड एक्चुअली विजिट देम, ताकि आपको पता चलता रहे आप कहाँ पर खड़े हैं अभी, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस और नॉट, राइट। एंड देन वी विल हैव टेस्ट, ठीक है, विच विल बी वीकली एज वेल एज इन टेस्ट सीरीज। एंड लास्टली हम अगर बुक्स की बात करें, सोर्सेज की बात करें, सो शंकर आईएएस की जो एनवायरनमेंट की किताब आती है दैट इज़ मस्ट 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 रीड, ठीक है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एनसीईआरटी प्लस टू की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड हैं, और इन चैप्टर्स में से ना एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं यूपीएससी में। तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर दोज एग्जाम्पल्स, बट आप एक बार ये 4 चैप्टर्स, इनके PDF ईजिली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास नोट्स बनाएं अपने बुक से, अपनी जो लेक्चर्स हैं, जो YouTube पे वीडियोस हैं उनसे क्लास नोट्स बनाएं, ताकि क्विक रिविजन हो जाए। और उसके बाद मैप्स हैं, रेड डेटा बुक है और विकीपीडिया है, जो भी इसमें से एग्जाम्पल्स हैं आई ट्राई टू कवर, बट यू शुड ऑल्सो कीप अ टैप, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि रेड डेटा बुक में कौन सी स्पीशीज़ क्रिटिकली इंडेंजर थी पर अब नहीं है, ठीक है, वो कहाँ मिलती है, सो ऑल दैट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। बट ये बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, यहाँ पे लेस इज मोर, ये नहीं है कि पढ़ते रहे और याद कुछ ना रहे, सो हमें लिमिटेड ही करना है, ठीक है। सो दैट आई विल टेल यू टू रीड इन द क्लासेस, जो जो है वो क्लासेस में कवर होता ही रहेगा। सो दीज आर द बुक्स एंड सोर्सेज टू रीड, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे यही बोलूँगी कि एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ
pre. So in order to ace pre, you have to ace this component. And टफ नहीं है. अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस लेक्चर्स रेगुलरली करें, शंकर आईएएस एक बुक पढ़ लें और न्यूज़पेपर्स कर लें, तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं एनवायरनमेंट के. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.